नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। विनेश फोगाट हमारे देश की बेटी, जिसकी वजह से आज पूरे देश की आंखें नम है, कलेजा भारी है, लेकिन निराशा नहीं है। अब भी न हमारी बेटी हारी है न हम हारे। साजिश करने वाले हारेंगे, साजिश हारेगी, बेटी नहीं हारेगी। पहली तस्वीर आई है बेटी की, विनेश फोगाट की। हमारी विनर है ये, हमारी विनर है, हमारी चैंपियन है। इसे ओलंपिक एसोसिएशन आखिरी पायदान पर रखे, बाहर कर दे, डिस्क्वालिफाई कर दे, लेकिन हमारे लिए ओलंपिक इतिहास की, हिंदुस्तान के ओलंपिक इतिहास की आज ये सबसे बड़ी विनर बन चुकी है। 4 महीने पहले मेंटली टॉर्चर, 4 महीने पहले तक जिसने ट्वीट किया मेंटली टॉर्चर किए जाने का, वो एक स्पोर्ट्समैन ही हो सकता है जो ऐसे हालात से निकल करके जाए और इतिहास रच दे। डिस्क्वालिफिकेशन को आप डस्टबिन में डाल दीजिए। इस बेटी ने 82 बाउट जीतने वाली महिला पहलवान, महिला पहलवानी की सबसे बड़ी हस्ती, सबसे बड़ा नाम, उसको शिकस्त दी। एक दिन में 3-3 बाउट जीता। इसीलिए हमने कहा विनेश हारी नहीं है, विनेश हराएगी। विनेश किस साजिश का शिकार हुई है, विनेश कैसे दोबारा खड़ी होगी, विनेश कैसे हराएगी, अब इस विषय पर चर्चा जरूरी है। विनेश के साथ क्या हुआ इस पर हमने काफी चर्चा करी। हरियाणा से एक खास मेहमान को हमने जोड़ा, जगमती सांगवान, हरियाणा से, हरियाणा की ही बेटी है। और आपको बता दें, जगमती सांगवान एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, कांस्य पदक विजेता टीम का, यानी पदक लेकर के लौटी थी जगमती सांगवान। महिला एक्टिविस्ट है, किसानों के लिए लड़ती है, बेटियों के लिए लड़ती है, और हरियाणा में एक सशक्त हस्ताक्षर है। जगदीप सिंह सिंधु साहब, जब भी मसला कोई भी हरियाणा से जुड़ा होता है, खासकर किसानी से जुड़ा होता है, आज खेल से जुड़ा है क्योंकि खेल से भी जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज में रहे हैं एक दौर में, तमाम इनके जूनियर और साथी तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तमाम बड़े नाम हैं, वो भी इसीलिए आज जोड़े हैं, हम जोड़ा है उनको भी हमने। पहले मैं जगमती सांगवान जी के पास चलूंगा। मैडम, ये बेटी हमारी, मैं जो पहली तस्वीर एक बार फिर कहूंगा कंट्रोल रूम से दिखाए, ये पहली तस्वीर लेकर के हम आए हैं आज। ये पहली तस्वीर है, अस्पताल से पहली तस्वीर, अस्पताल की पहली तस्वीर बता रही है, विनेश फोगाट का चेहरा बता रहा है कि हमारी बेटी, भारत की बेटी हारी नहीं है, साजिश करने वाले हारेंगे। इस तस्वीर के पीछे क्या चल रहा होगा विनेश के दिमाग में? देखिए आशीष, असल में तो जो विनेश ने जो 82 बार की जो वो विजेता थी और विश्व विजेता थी, जापान की जो कुश्ती खिलाड़ी, उसको जिस शानदार तरीके से खेल में हराया, वो असल में उसने स्थापित कर दिया ये कि कल तक जो उसको बोल रहे थे खोटा सिक्का है, वो खोटा सिक्का नहीं है, वो असल में वो 24 कैरेट है, मतलब सोना है पूरा, ये तो उसने स्थापित कर दिया। और उस इन तमाम परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए उसने ये स्थापित किया है, इसलिए सबसे पहले तो हम विनेश को सैल्यूट करते हैं। और इसके साथ साथ ये कहना चाहते हैं हम इस मौके के ऊपर कि ये जो 100 ग्राम का जो मसला है, असल में इसके ऊपर जो भी उसके असिस्टेंट थे, जो न्यूट्रिशियन थे या फिजिशियन, whosoever was assigned with the duty with her, उनकी अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए कि भाई किस तरह से ये इतना वेट जो है वो बढ़ा, क्या खाया, क्या क्यों खाया वो,
और उसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि ये जो 100 ग्राम इसकी जो मात्रा है ना, ये भी थोड़ा सा शक पैदा करती है, क्योंकि 50 ग्राम्स तक है तो दैट इज इग्नोरेबल, लेकिन 100 ग्राम अगर है तो देन यू आर डिस्क्वालिफाइड। और 100 ग्राम उसका वो ज्यादा हुआ है। और देखिए आशीष, हम आपको ये बता दें कि हमने इन लड़कियों के साथ काम किया है, चाहे वो हरियाणा की हमारी एथलीट थी, जूनियर एथलीट, जिसके ऊपर जो हरियाणा के खेल मंत्री आरोपित है कि उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया विद इंटेंट टू रेप। सो उसके साथ हमने जो बातचीत करते या शिक्षा या साक्षी के साथ जो हमने बातचीत करी है पिछले दौरान आंदोलन में हम जो साथ रहे, इतना मतलब गहराई के साथ और इतना छोटी छोटी चीजों के ऊपर इन लड़कियों का उत्पीड़न किया जाता है, जो भी सत्ताधारी लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत जुटाती है तो उनको एकदम वो इस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं कि उनका मानसिक संतुलन खराब कर दिया जाए। सबसे पहला उनका ये होता, उनको टेररिज करके रखा जाए, उनको किसी भी जगह के ऊपर सामान्य इंसान की तरह से उपस्थिति ना हो उनकी। तो ये जो सारी हम उनसे मुंह बोली जो सुनते हैं आप गीति उनकी जो है उसको देखते हुए हम, मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि ये जो 100 ग्राम वाला जो मामला है इसके नेशनल इंटरनेशनल लिंकेजेस भी हो सकते हैं। चीजें इतनी साफ सुथरी नहीं है। ओलंपिक्स के अंदर आप इजराइल जो है, इजराइल को इजाजत दे रहे खेलने की, वहां के एथलीट्स को, प्लेयर्स को, आप रूस के प्लेयर्स को खेलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हर जगह के ऊपर जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो बाकायदा बहुत एंट्रेंस्ड तरीके से काम करते हैं इन सिस्टम्स के अंदर। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन अगर हम डिमांड करें, ये जो सारा हुआ है दैट कैन टेक वेरी लॉन्ग टाइम, चलती रहेगी इन्वेस्टिगेशन? नो, हमारे जो वहां पे डेलीगेशन के हेड हैं उनको एक रिव्यू का वो होता है प्रोविजन कि आप ये जो पूरा सारी चीज जो हुई है इसका रिव्यू, वो मशीन, वो करने वाला, वो कैसे, कहां से क्या है, उन चीजों के ऊपर जरूर उनको इमीडिएटली डिमांड करना चाहिए और फोकस रखना चाहिए वहां पे भी कि अगर कोई किसी तरह की भी कोई चूक है या साजिश है तो एक बार वो तो मतलब रूट आउट तो करें उन चीजों को, और वो तो वो पकड़ी भी जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा जो डेलीगेशन वहां पे गया हुआ है, जो 117 तो एथलीट्स हैं और मेरे ख्याल से 118 ऑफिशियल्स हैं, अभी तक अधिकृत तरीके से, जिसको कहते हैं ना कि भाई अधिकृत तरीके से हमारा इस पूरी परिस्थिति का आकलन ये है हमारी तरफ से, वो कोई भी इस तरह का बयान अभी तक आया नहीं है कि हाउ डू दे लुक एट ऑन दिस होल इंसिडेंट। तो वो आना चाहिए उनकी तरफ से ताकि देश के अंदर जो लोग चिंतित हैं, जो कल तक बहुत ही एंजॉय कर रहे थे एक विनेश की विक्ट्री को और आज इतने शॉकिंग स्थिति में हैं, तो जो हमारा डेलीगेशन गया हुआ है दे आर आंसरेबल टू द कंट्री, मतलब वो बताएं कि उनके वहां होते हुए ये हो क्या रहा है भाई। हमें, हम कहीं तो अपने आप को फिक्स करें ना कि हाँ हमें इस चीज को ऐसे देखना है, जो हमारे डेलीगेशन का जो आकलन है वो इस तरह का है। तो वो उनका भी जो व्यवहार वहां पे जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं लग रहा है। क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? 118 लोग बैठे हुए हैं, आखिर देश के मतलब खर्चे के ऊपर गए हुए हैं मंत्री, पार्लियामेंट के अंदर तो ये गिनवाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमने जो है अभिनेश के ऊपर उसकी ट्रेनिंग पे इतना पैसा खर्च किया है, और ये जो तुम बना के भेजे हैं वहां पे जो जिम्मेवार, उनसे आप कुछ तो देश को बताने के लिए बोलो कि क्या कह रहे हो आप, आपका आकलन क्या है इस पूरी परिस्थिति के ऊपर। तो ये बिल्कुल नहीं पारदर्शी नहीं लग रहा है। तो हमें ये लगता है कि थोड़ा सा देश का जो स्पोर्ट्स मंत्रालय है और यहाँ की जो सरकार है उसको सक्रियता के साथ
इस इंसिडेंट पर्टिकुलर के ऊपर रिव्यू के लिए भी एम्फेसाइज करना चाहिए। जिस तरह से केन्या की जो एथलीट का मामला आ रहा है कि वो दो एथलीट भिड़ गई थी, बाय मिस्टेक भी हो जाता है, लेकिन उसको ब्लेम करते हुए उसको जो है महरूम कर दिया था मेडल से, परंतु पूरा देश जब बोला, वहां से उनकी सरकार बोली और पूरे मतलब अंदर से बोले, तो वो फैसला जो है वो रिव्यू किया गया। तो ऐसे ही अब इस विनेश के मामले में एटलीस्ट जो उसने इससे पहले के जो बाउट्स जीते हैं और इतने शानदार तरीके से जीते हैं, तो तब तो उसका वेट जो है वो ओवरवेट नहीं थी उस समय पे, कुछ उसका भी कंसीडरेशन हो। और अभी कह रहे कि कानून ऐसा नहीं है, तो कानून रूल्स आर मेड टू बी चेंज, इसी से चेंज करने का उसका वो बनाया जाए, विनेश के नाम से ही शुरुआत हो जाए उस अमेंडमेंट की किसी तरह से, तो कुछ तो हमारी सरकार को सक्रियता जो है वो इस पे दिखानी चाहिए। वो बस इस पे लगे हुए हैं कि हाँ मतलब इतना वेट बढ़ गया, उसने रनिंग करी, जॉगिंग करी, सो नहीं पाई, खा नहीं पाई, फिर उसका वेट ये 100 ग्राम बच गया। ये जो है इसकी बजाय फोकस वहां पे रहना चाहिए कि किसी तरह से पूरे देश के लिए एक जो शानदार लम्हा जो बना था और वो हमारे मतलब राष्ट्रीय दुख में बदल गया है। असल में तो देखो जो भी देश के नागरिक है वो बहुत दिल से दुखी है आज जो हुआ है, तो उसमें कोई राहत देश के नागरिकों को कहां से दी जा सकती है, कहां से विनेश को जो है वो सेव किया जा सकता है। वहां पे फोकस उनका रहना चाहिए जो कि अनुपस्थित लग रहा है। दुख की बात ये है कि वो अनुपस्थित है। मैडम देश दुखी है, लेकिन फिर भी बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे अंधभक्त और ट्रोलर्स जो 2 रुपए के रेट पे ट्वीट करते हैं वो खुश हैं। हमारे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, हमने कार्यक्रम में दिखाया भी कि ऐसे ऐसी बात कर रहे हैं कि हर विनेश एक ऐसे ऐसे हैं कि जो लिख रहे हैं ट्विटर पर, हर विनेश के लिए एक ब्रजभूषण की जरूरत है इस देश में, ऐसे शब्दों का ऐसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस स्थिति में इस देश में मोदी के बारे में बुरा बोल दे, आलोचना कर दे तो देशद्रोही है, और इस देश की बेटी पर ऐसी ओछी टिप्पणी करने वाले आराम से घूम रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, विनेश को 2 किलोग्राम वजन कम करना था, ये अचानक नहीं हुआ, हमें पहले से ही पता था, लेकिन विनेश फोगाट 1.8 किलो वेट ही कम कर पाई। अब कांग्रेस के भांड का भांडा फोड़ बजरंग पुनिया नहीं कर दिया, अब चमचे क्या बोलेंगे मोदी जी को, कांग्रेस के भांड का भांडा फोड़, यानी विनेश फोगाट के बारे में क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कांग्रेस के भांड का भंडाफोड़ हो गया है यहाँ पर, ये शब्द है इनके। ऐसे बहुत सारे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कुछ, ये देखिए, विनेश फोगाट ने किया ओलंपिक की मर्यादा भंग, कुश्ती जीतने के लिए बेईमानी पर उतर आई, आज इनका 100 ग्राम वेट ज्यादा पाया गया और ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। यही होता है जब आप खेल से ज्यादा राजनीति करते हैं। ये देखिए ट्वीट्स हैं, ये दिखाना शर्मनाक है। और भी एक ट्वीट है कि हर विनेश फोगाट के लिए ब्रजभूषण चाहिए कंट्रोल रूम के पास हो, तो वो भी दिखाएं जरा कि हर ब्रजभूषण, हर विनेश फोगाट के लिए ब्रजभूषण चाहिए। ऐसे ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द। मैं अभी इसी पर सवाल आपसे लूंगा। और आपने मंत्री की बात की, कितना दुखद है, आज एक मंत्री संसद में बता रहा है कि हमने 70 लाख रुपए खर्च किया। हमने इसके पहले अभी एक प्रोग्राम किया जिसमें मैं और अशोक वानखेड़े जी थे, और हमने, हालांकि ये मनसुख मांडविया ने अपने घर से अपने घर का गहना बेच करके, खेत बेच करके नहीं किया है, ये जगमती सांगवान के, आशीष चित्रांसी के, जगदीप सिंह सिंधु के पैसे, हरियाणा के, पूरे देश के गरीब से गरीब आदमी जो एक ब्रेड भी कभी खरीदा होगा, 5 रुपए की पाव रोटी भी खरीदा होगा, उसमें भी टैक्स दिया है, वो पैसा इस देश की बेटी के लिए अगर खर्च हुआ है कुछ तो वो खर्च हुआ है। लेकिन फिर भी हमने कहा, हमने खुले कहा, खुलेआम आज हमने इसी मंच से ऐलान किया कि अगर मनसुख मांडविया में है साहस तो कोई अकाउंट नंबर दे दे, 70 लाख रुपए अगर सरकार मोदी जी का, वो व्यक्तिगत जागीर है सरकारी पैसा, इस देश का पैसा अगर मोदी जी का व्यक्तिगत निजी जागीर है तो 70 लाख रुपए हम वापस करेंगे, न्यूज लॉन्चर 2-4 हजार रुपए देगा, मैं अपने व्यक्तिगत पैसे दूंगा। और जिस समय हमने शो किया, कमेंट बॉक्स में हमारे ऐसे ऐसे लोग आए कि मनसुख मांडविया से आप डिटेल लो, 1-1 लाख रुपए देने वाले भी खड़े हो गए कि ये 70 लाख इसके मुंह पे मारेंगे। ये जिस समय देश की बेटी की ऐसी हालत में है, पूरा देश गमगीन है, उस समय अमाउंट बता रहे हैं जगमती होती।
अनफॉर्चुनेट परिस्थितियां बनी हुई देश के अंदर, और इसी वजह से ये लगता है कि जिन लोगों ये दिमाग में सवाल आता है कि जिन लोगों को जो कल तक खोटा सिक्का बता रहे थे, और जब वो विनेश जो है वो विश्व विजेता बनने की तरफ बिल्कुल हासिल कर ही चुकी थी वो मुकाम, तो हमें ये लगता है कि उन लोगों को मुश्किल होती, वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने, ये बहुत अच्छी बात है कि मनु भाकर को जब वो फाइनल से पहले थी उनको फोन किया, वो अच्छी बात है, वो होना चाहिए, लेकिन विनेश को कल जब वो जीती उसके बाद उन्होंने फोन नहीं किया, और हम सब ये इस चीज को देख रहे थे कि भाई यहाँ पे आज ये जेस्टर आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया, और जब वो मेडल से महरूम हुई है तो एकदम उनका रिस्पॉन्स जो है वो रिएक्शन आया, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो उसके विश्व विजेता बनने से उस स्थिति से असहज महसूस कर रहे थे कि उस तरह से अगर वो आएगी यहाँ पे देश के अंदर विनेश फोगाट, तो उनके लिए जो है मुंह छुपाने की जगह ढूंढनी पड़ेगी उनको जो है, तो ऐसे जो ये इस मंसूबे के जो लोग हैं वो बहुत निहायत निम्न स्तर की मानसिकता रखते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा लिंक्ड है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हो या जो दूसरी एजेंसीज हो उनके साथ वो बहुत मतलब हैंड इन ग्लव्स इन एवरी वे एंड दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू मैनिपुलेट द थिंग्स, तो इसलिए वहां की उसको बिल्कुल नकारने को मन नहीं मानता, और ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन अभी तक जो आ रही है उसके ऊपर विश्वास नहीं होता कि 100 ग्राम वेट वाला और जिस तरह से ये हुआ है अविश्वसनीय, सब बच्चों से पूछो किसी से पूछो सबको अविश्वसनीय लग रहा है ये जो एक्सप्लेनेशन इसके साथ जो है, तो इसलिए वो लोग जो है वो अभी तो यही ट्वीट्स आए हैं उनके, आगे आने वाले उसमें आप ये भी देखना कि अभी तो ये भी आएगा कि ड्रग से डरती भागी, ये बहुत घटिया मानसिकता के लोग हैं जिनका करियर इसी चीज पे मतलब स्थापित है कि काले को सफेद और सफेद को शाह मतलब किस तरह से बनाया जाता है, वो बहुत बड़ी लॉबी जो है वो बहुत सक्रिय है आज देश के अंदर, और जो असली हमारे जो बहादुर और जो विजेता चेहरे हैं उन पे कालिक पोतने के लिए वो बहुत उतावले हैं एक तरह से, तो इसलिए ये बहुत ही मतलब दर्दनाक स्थिति है जो अपने मतलब देश की शान को इस तरह से कालिक से पोतना चाहे। तो ये आपने कहा मनु भाकर को फोन किया, अच्छी बात है, देखिए वो भी आ गया कि हर विनेश फोगाट के लिए, हर एक विनेश फोगाट के लिए एक ब्रजभूषण जरूरी होता है। विनेश फोगाट 2 किलो ज्यादा थी, एक दिन में कम करना था तो नहीं कर पाई, 100 किलोग्राम वेट रह गया। ऐसा तब होता है जब आप खेल से ज्यादा राजनीति करते हैं, संन्यास ले लीजिए। अब सोचिए, हर विनेश के लिए एक ब्रजभूषण चाहिए, यानी ये कहने वाला ये बोल रहा है कि इस देश की हर बेटी के लिए एक ब्रजभूषण जैसा व्यभिचारी चाहिए। उसके भी घर में एक किसी भी इंसान का जन्म होता है तो उस जन्म में मात्र शक्ति ही है जो जन्म देती है, तो इस मतलब हर बहन बेटी के लिए एक ब्रजभूषण इस देश में चाहिए। ऐसे कुत्सित, ऐसे घृणित लोग हैं जिनकी चर्चा भी करना अपनी भूल रहे हैं कि जो बकवास कर रहे थे कि दबदबा था और दबदबा रहेगा, उनको देश की बेटियों ने और देश के प्रगतिशील लोगों ने किस तरह से दुम दबा के भागने के लिए मजबूर किया, और आज भी जान जो है वो फंसी हुई है उन लोगों की। आज देश जो है इसकी बेटियां और इस उन बेटियों के साथ खड़े होने वाले जो लोग हैं, ठीक है संघर्ष थोड़ा कड़ा है लेकिन वो सही रास्ते पर हैं, और इनको इनका ठिकाना दिखा के छोड़ेंगे नहीं, तो ठिकाना तो जो पहली फोटो देख करके ही ये शो करने के लिए प्लान किया कि ये फोटो बता रही है कि ये बेटी हमारी हारी नहीं है, और वैसे भी मैं तो इसे हारा हुआ मानता ही नहीं, मैं तो इसे मानता हूं कि हमारे ओलंपिक इतिहास की एक अद्भुत कामयाबी,
इससे मतलब मैंने तो आज 100 में बोला कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी 1857 में कहा गया था, आज 2024 में खूब लड़ी मर्दानी हमारी ये बेटी, खूब लड़ी और हरा करके आ रही है, ये हार के नहीं आ रही है, हरा करके आ रही है सबको। मैं सिंधु साहब के पास चलूंगा। सिंधु साहब अभी एक बात कहा जगमती सांगवान जी ने कि फोटो मनु भाकर के साथ खिंचवाया, अच्छा जेस्चर था, मैं तो उस पर भी नहीं मानता हूं। भाई साहब ऐसा क्या फोन करना, मनु भाकर ने तो विनेश और साक्षी के लिए भी ट्वीट किया था जब वो सड़कों पर बैठी थी, तब तो मनु भाकर को आपने वो नहीं किया कि मनु भाकर के लिए कह दें एक बेटी के लिए ट्वीट कर रही है। और ऐसी क्या फोटोग्राफी, ऐसा क्या जेस्चर कि फोन करने के पहले कैमरामैन बुलाओ, फोन करो उसके पहले कैमरामैन बुलाओ, कैमरामैन ना आने पाए तब तक नेटवर्क ही नहीं आता फोन में साहब के, साहब के फोन में नेटवर्क कैमरामैन लेके आता है, हाथ में मुट्ठी में कैद करके नेटवर्क लाता है, जब कैमरा ऑन होता है तभी मोबाइल में नेटवर्क आता है। इस देश में बेसिकली सर्कस चल रहा है, बिना झिझक ये कहने मुझे कोई गुरेज नहीं, सर्कस चल रहा है। क्या आपको लगता नहीं है इस मामले की जांच होनी चाहिए? और मैं मतलब ये मेरी निजी राय है, चैनल से भी अलग मेरी निजी राय है, इस देश में सरकार की और मोदी की और शाह की और योगी की आलोचना करने को देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाता है। इस देश की बेटी के साथ जिसने भी गलत किया है, वो चाहे न्यूट्रिशन वाला हो, चाहे जितने बड़े इतना बड़ा लाव लश्कर लेके गए हैं, इन सबको जेल होनी चाहिए, राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में है। इस देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया है, यानी हिंदुस्तान की अस्मिता के साथ, भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, जो भी साजिश में होगा, इसकी क्या जांच नहीं होनी चाहिए, जेल नहीं होनी चाहिए? आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, आज जो अवसर था इस नारी सम्मान के लिए, इस नारी सशक्तिकरण के लिए, तो वहां एक स्पष्ट कमजोरी दिखाई दी है। और जिस तरह से इस विवाद में या इस घटनाक्रम में भारत की सरकार की भूमिका होनी चाहिए थी, भारत के जितने अधिकारी वहां मौजूद हैं उनकी जो भूमिका होनी चाहिए थी, और उस पे जितनी जल्दी वहां जो कमेटी है जिनने ये निर्णय किया है उनके सामने अपना पक्ष रखने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए था, वो उसमें कहीं देरी दिखाई दे रही है, और उस पे पूरी तरह से गंभीरता से अभी स्पष्टीकरण देके ही केवल जवाबदेही से नहीं बचा जा सकता, और वो स्पष्टीकरण भी आधे अधूरे आ रहे हैं। वो पूरी घटना क्या है और क्यों क्यों हुई? देखिए, एक खिलाड़ी ही वो मैच नहीं खेलता है, खिलाड़ी से ज्यादा उसका जो कोच है, उसका जो ट्रेनर है, वो मैच खेलता है, इसको भी बराबर तोला जाना चाहिए। और जब एक खिलाड़ी एक दिन में 3 बाउट कर लेता है, और उसका सिर्फ देखिए, एक खिलाड़ी जो ये ओलंपिक है, ये 4 साल के बाद आते हैं और विश्व का सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, और इसमें टेक्निकली जो भी खिलाड़ी होते हैं इनके लिए जो कमेटी अधिकारी साथ गए होते हैं उसमें न्यूट्रिशनिस्ट भी होता है, उसमें डॉक्टर फिजिशियन भी होता है, उसमें ट्रेनर भी है, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी है, उसमें कोच भी है, उसमें टेक्निकल अलग से और भी अधिकारी हैं। और किसी भी खिलाड़ी का एक दिन में जब वो परफॉर्मेंस पे है तो हर घंटे बाद उसके मानसिक और शारीरिक स्थिति का आकलन होता रहता है, जो एक प्रोटोकॉल है मेडिकल का, उसके तहत। तो इसमें बहुत से ऐसे सवाल और शंकाएं उभरती हैं कि ये सब चीजें किस प्रकार हो रही हैं और उसका क्या, उसका स्पष्टीकरण है, उसमें क्या हुआ है। तो ये बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिनको सामने लाया जाना बहुत आवश्यक है, और इसकी पूरी पड़ताल होकर और इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देश के सामने आनी चाहिए। देखिए, देश में आधी आबादी महिलाओं की है, और महिलाओं के सम्मान को देखते हुए और जिस प्रकार से आज भारत के लिए एक इतिहास, भारत की ये महिला, भारत की ये बेटी बनाने जा रही थी, तो ये दायित्व बनता है कि
कि इसकी पूरी जांच करके और ये पूरे तथ्य सामने आने चाहिए जिससे स्थिति स्पष्ट हो और जो भी संदेह जो भी आशंकाएं बनी हुई हैं उनका निवारण हो सके और जो इसके लिए जिनका दायित्व था और जो इसके लिए जवाबदेह हैं उनके प्रति जो कार्रवाई बन सकती है और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो उचित तौर पे की जानी चाहिए, तभी सरकार की पद्धति में प्रक्रिया में प्रणाली में विश्वास पैदा होगा, तभी सरकार के प्रति और जो सामाजिक न्याय की बात सरकार करती है जो सामाजिक न्याय के मुद्दे जो उठाए जाते हैं तो तभी ये चीजें साबित हो पाएंगी कि सरकार की अपनी जो गंभीरता है वो इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में कैसी है। तो मेरा ये मानना है कि इसकी पूरी जांच और पूरी पड़ताल होने के बाद जो तथ्य हैं वो सभी सामने आने चाहिए और जो ये घटना हुई है ये हमारे देश के लिए एक बहुत दुखद घटना के रूप में देखी जा रही है और जिसमें बहुत लोग स्तब्ध हैं और विभिन्न प्रकार के आक्षेप लांछन और अलग अलग तरह की जो बातें हो रही हैं हमें उससे अलग हटके इसको तथ्यात्मक रूप से देखना आवश्यक है और उसी तहत मैं ये मानता हूं कि देश की जो वर्तमान सरकार है ये उनका दायित्व है कि ये सारी घटना सामने लाई जाए। एक बात मैं अभी इंफॉर्मेशन इस समय दे दूं, छह बार के वर्ल्ड चैंपियन है और ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट है अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बरोज ने कहा है कि सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए विनेश को, सिल्वर मेडल जो अभी जगमती जी ने कहा था बिल्कुल लेटेस्ट खबर उसी पर देखिए, अमेरिकन रेसलर और वो भी सामान्य नहीं, छह बार का वर्ल्ड चैंपियन और जो है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जॉर्डन बरोज, इन्होंने कहा है कि अब जो है अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के नियमों में बदलाव हो, तत्काल बदलाव हो, तत्काल प्रपोज्ड इमीडिएट रूल चेंज फॉर UWW, और कहा है कि सिल्वर मेडल दिया जाए विनेश फोगाट को और रूल चेंज क्या क्या हो वो भी मैं बता दूं। उन्होंने लिखा है कि 1 kg सेकेंड डे लिखा है प्रपोज्ड इमीडिएट रूल चेंज फॉर UWW, इमीडिएट तत्काल चेंज हो ये रूल, पहला रूल 1 kg सेकेंड डे वेट अलाउंस, दूसरा नंबर वेट वेइंग पुसेज फ्रॉम 8:30 AM टू 10:30 AM, तीसरा है फॉरफिट विल ऑकर इन फ्यूचर फाइनल्स इफ अपोजिंग फाइनलिस्ट मिसेज वेट, और चौथा है आफ्टर सेमीफाइनल विक्ट्री बोथ फाइनलिस्ट मेडल आर सिक्योर्ड इवन इफ वेट इज मिस्ड ऑन डे टू, गोल्ड कैन ओनली बी won by a wrestler who makes weight on the second day, यानी सेमीफाइनल विक्ट्री के बाद दोनों फाइनलिस्ट का मेडल भी सिक्योर होना चाहिए, अगर सेकेंड डे पर जो है वेट मिस हो जाता है, बदल जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। ये मांग न इंडिया की तरफ से हो रहा है, न हमने किया है, न जगमती जी ने किया है, न सिंधु साहब ने किया है, ये छह बार के वर्ल्ड चैंपियन रेसलर ने की है मांग और तत्काल चेंज करने के लिए और जो है सिल्वर मेडल देने की मांग की है। जी सिंधु साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये एक प्रक्रिया है वेट करने की, जब वो वजन किया जाता है तो उसमें जो एक खिलाड़ी है, पहले 2016 से पहले एक ये प्रावधान था कि एक ही बार वजन होता था, लेकिन 2016 के बाद ये प्रावधान बदल दिए गए जिसमें अब जो मुकाबले हैं वो 2 दिन के भीतर होने हैं और उसमें दोनों ही दिन वेट किया जाना है और जो वजन किया जाना है, वजन किए जाने में ओलंपिक में जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस इन सेंस की जो वेरिएशन है वो वेरिएशन यहाँ नहीं दी जाती, जबकि उसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर एक खिलाड़ी एक दिन में 3 बाउट करता है तो उसको अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए जो उसको फूड चाहिए, जो उसको एनर्जी के सब्सटेंस चाहिए, उनकी वजह से अगर उसके बॉडी में वेट का कोई डिफरेंस आता है तो एक सर्टेन टॉलरेंस लेवल उसका डिफाइन होना चाहिए और उसके तहत ही उसको अलाउ किया जाना चाहिए। अब इस तरह के हार्ड एंड फास्ट अगर आपने रूल बना दिए हैं
तो उसमें ये भी बताया जाए कि जो उनके मेडिकल टीम है, जो उनके मेडिकल टेक्निकल्स हैं, वो किस प्रकार से बच्चे का या किसी भी खिलाड़ी का वो स्टैंडर्ड या वो लेवल मेंटेन करेंगे। इंडियन न्यूट्रिशन, हमारे न्यूट्रिशनर्स उनके साथ हैं, हमारे डाइटिशियन उनके साथ हैं, हमारे फिजिशियन उनके साथ हैं, ट्रेनर उनके साथ हैं, लेकिन अगर प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू दोज प्रोटोकॉल्स, तो आप ये भी तो ये डिफाइन होना चाहिए कि कितना वेरिएशन उसमें अलाउड हो सकता है या कितनी स्ट्रिक्टनेस से उसको वो किया जाना चाहिए। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिनको बड़े मजबूती से हमारे जो वहां डेलीगेशन गए हुए हैं, वो अधिकारी गए हुए हैं, उनको इनको उठाना चाहिए और पूरे देश को या पूरे हमारे सरकार को इसको बहुत मजबूती से उठाना चाहिए, ताकि विनेश के साथ और देश के साथ ये न्याय की घड़ी है, ये न्याय होना चाहिए। बिल्कुल, इसी बात पर हम आखिरी कमेंट, बस फाइनल 30 सेकंड का लेंगे। अमेरिकी रेसलर 6 बार का वर्ल्ड चैंपियन, वो विनेश के लिए आवाज उठा रहा है कि रूल चेंज हो। हिंदुस्तान में, भारत में न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, खर्चा बताया जा रहा है। क्या इंटरनली, अब राजनीतिक टिप्पणी 30 सेकंड किए लेंगे, क्या हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग उसको इस मामले में कहेंगे बड़ा नफरती वर्ग, जिसका काम ही है नफरत की सियासत करना, क्या वो मन ही मन खुश है कि एफर्ट ना करें? अगर एफर्ट किया, विनेश को मेडल मिला और मेडल लेकर के लौटी, तो जो आपने शुरू में कहा था कि मुंह कहाँ छिपाएंगे, बिना मेडल के विनेश लौटेगी तो मुंह छिपा लेंगे। लेकिन उसके साथ ये भी है, उसी छोटी सी टिप्पणी में, कि क्या विनेश के साथ जो हुआ है उस देश के मन तक, मस्तिष्क तक जो मैसेज गया है साजिश का, क्या ये बड़ी भयंकर चूक तो नहीं, आत्मघाती चूक तो नहीं होने जा रही है? बिल्कुल, ये जो अगर ये चूक की जाती है कि हमारी जो सरकार है वो तमाम शिद्दत के साथ अपनी इस खिलाड़ी के मान सम्मान, डिग्निटी और इसका जो अधिकार है उसको बचाने के लिए आगे नहीं आती है, तो निश्चित रूप से ये आत्मघाती कदम उनके लिए और हमारे खेल जगत के लिए बिल्कुल है। इसके साथ जो अमेरिकन वेरी वेल नोन जो रेसलर है, उन्होंने जो वैलिड सवाल उठाए हैं कि कानून के अंदर ये अमेंडमेंट किए जाने चाहिए, विद द चेंजिंग ऑफ टाइम्स, रूल्स को बदलना समय के बदलने के साथ जरूरी होता है, पर तेजी से बदले हैं रूल्स जो हैं। और अभी जो जगदीप ने भी जो सवाल उठाया कि न्यूट्रिशन के लेवल पे जब आप 3 बाउट पूरा दिन में एग्जॉस्ट करते हैं अपने आप को, और फिर आप जो इनटेक लेते हैं वो किस तरह से आपकी बॉडी उसके साथ तालमेल बिठाती है, तो इन चीजों में टॉलरेंस का लेवल जो है थोड़ा बहुत उसकी जो बात है, मुझे ये जो पॉइंट्स है ये बहुत जरूरी लगते हैं आज मद्देनजर रखने के लिए, और देश की सरकार को इसके ऊपर जो है दबाव देना चाहिए कि ये अमेंडमेंट तुरंत प्रभाव से, जैसे वो रेसलर ने मांग की है, हम भी ये मांग करते हैं कि ये तुरंत प्रभाव से हो, और ऐसी खिलाड़ी जिसने पूरी दुनिया को इतनी शानदार कुश्ती करके दिखाई है पिछले 2-3, जिसने भी देखे उसके विनेश के बाउट्स जो है उनके मतलब दिल खिले हुए थे एक तरह से कि वाह क्या कुश्ती दिखाई है लड़की ने जो है, तो इसलिए उनके नाम से भी उसको अमेंडमेंट को इनिशिएट किया जा सकता है। उनका तो चलो जो नुकसान होना था अब वो हुआ ही है इसमें, परंतु इसी के ऊपर फोकस रहना चाहिए। ये आने पाई का हिसाब किताब किसकी ट्रेनिंग पर कितना लग गया, ये इस मौके पे ये बातें जो कर रहे हैं वो शोभा नहीं देती। बिल्कुल, चलिए कम से कम एक बात है कि एक अमेरिकी चैंपियन, देखिए खेल और खिलाड़ी, सियासत में सिर्फ विभाजन होता है, सिर्फ बंटवारा होता है, लेकिन खेल जोड़ता है। खेल में जो खिलाड़ी होता है, इसीलिए हमेशा कहते हैं सारी स्पिरिट के ऊपर हम बोलते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जहां पर आज के समय में तमाम दुर्भावनाओं से, पूर्वाग्रहों से ग्रसित जहां पर इंसान है, वहां पर सिर्फ स्पोर्ट्समैन होता है, जिसकी स्पिरिट को हम पूरी इस आज की मानवता से अलग करके देखते हैं। यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि एक अमेरिकी चैंपियन विनेश फोगाट के साथ आज खड़ा हो गया है। क्या जिस मजबूती से वो खड़ा हुआ है,
क्या उस मजबूती से हिंदुस्तान की सरकार, भारत की सरकार खड़ी होगी? क्या यूक्रेन में वॉर रुकवाने वाले मोदी उसी दमखम से ताल ठोक करके खड़े हो पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के सामने? क्या है ये जज्बा? और अगर है ये जज्बा तो भारत देखना चाहता है, भारत का हर हर बेटा, हर बेटी, हर पिता, हर माँ वो जज्बा देखना चाहता है। और अगर ये जज्बा मोदी ने दिखाया तो हो सकता है बाकी पुराने कुछ कर्म धुल जाए, कुछ से माफी मिल जाए, लेकिन ये दिखाना होगा। और बड़ी बात है कि इस अमेरिकी चैंपियन ने कितना जो मजबूत स्टैंड लिया है, नो इफ नो बट का इमीडिएट लागू हो, सिल्वर मेडल मिले। देखते हैं, हो सकता है कई बार अपने नहीं साथ देते हैं, अपने ही मुंह छिपाने के लिए रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन कोई होता है जो खड़ा हो जाता है। देखते हैं, एक पहल तो हुआ, एक आवाज तो उठाई। मैं इस एथलीट, इस रेसलर को भी सलूट करता हूं आज, जो अमेरिका का है, भारत का नहीं है, लेकिन इतने मजबूती से उसने भी इसके लिए आवाज उठाई है, साथ खड़ा हुआ है, इसके लिए वाकई सलूट है, जॉर्डन को सलूट है। मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से जॉर्डन का आभार जताता हूं, कम से कम इतनी मजबूती से विनेश के पक्ष में, जो ना सुबह से पीटी उषा ने रखा, ना जो है भारतीय कुश्ती संघ ने रखा, न प्रधानमंत्री ने रखा, न खर्चा गिनाने वाले खेल मंत्री ने रखा, लेकिन एक अमेरिकी एथलीट ने, अमेरिकी पहलवान ने यह बात रखी है। हमें उस पर गर्व है, उसको सलूट कर रहे हैं, लेकिन अपने सिस्टम पर शर्मिंदा हूं, मैं शर्मिंदा हूं। इजाजत दीजिए, जगमती जी आप जुड़ी, अपना वक्त दिया आपने, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीप जी हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, अक्सर साथ जुड़ते हैं। धन्यवाद जगदीप जी, नमस्कार।